मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा था। जिस बच्चे से जो इस संस्था के लिए बन पड़ा, जो शॉर्ट कमी नजर आ रही थी वो इन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। अगली बात जो बच्चों को आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपका जितना शानदार वक्त है वो दुनिया में किसी और के लिए नहीं है। पुराना देखो एक नगमा हुआ करता था, हम अगर बच्चे होते नाम हमारा होता कपनू बपनू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आपका जो ये कालखंड है जिसको हम कक्षा 6 से 12 भी कह सकते हैं, ये घोर तप का साधना का समय है। एक बार एक बड़ा धर्मात्मा राजा था, ध्यान से सुनना, ऐसी कहानी मैंने कभी सुनी है, भगवान की दया से बहुत गजब की है। अच्छा धर्मात्मा राजा था, सारी प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन राजा और बच्चों फिर भी शंका हो रही थी कि मेरा जो मृत्यु के बाद का जीवन है वो कैसा होगा, मुझे बताना चाहिए। तो उसने किसी ज्ञाता से, किसी विद्वान से, किसी जानकार से अपनी जन्म कुंडली दिखाई। तो उसने क्या बताया, ध्यान से सुनना, उसने ये बताया कि महाराज आप सब कुछ ठीक ठाक सोच रहे होंगे लेकिन तुम्हें नरक मिलेगा और नरक में तुम्हें गोबर उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा ढेर है गोबर का, वो तुम्हें उठाना पड़ेगा। राजा चिंतित हो गया, उसने पूछा कि इसका समाधान क्या है। बोले इसका समाधान ये है कि आप कोई बुरे से बुरे काम करो और जनता आपकी आलोचना करे। तो उसने कहीं गरीब की बेटी की शादी होने जा रही थी, उसका दहेज का सामान उठवा लिया। आस पास की जनता बोले इस राजा के पास क्या कमी थी, इसने तो बहुत बुरा किया, ये है वो है। सब लोगों ने राजा को खूब बुरा बना था। फिर राजा ने पूछा कि अब क्या जगह देख के बताओ। बोले अब छोटी सी देरी और बची हुई है वो बेटी। तो बोले उसके लिए क्या किया जाए। बोलो मेरे ख्याल में इस नगरी के अंदर एक आदमी ऐसा रह गया जिसने तुम्हारी पढ़ाई नहीं की। पहले बुराई की राजा ने, फिर सबके यहाँ राजा करके उनका सहयोग किया, मदद की, तो सब कहने लग गए राजा बहुत अच्छा, राजा बहुत अच्छा, राजा धर्मात्मा, गरीब बेटियों की शादी करवाने लग गया, सब बड़ाई करने लग गए। वो जो एक व्यक्ति था तेली, उसने पहले भी राजा के लिए कुछ नहीं कहा, जब बुरा किया ना राजा ने तो उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की उसने, और जब दोबारा राजा ने बहुत भले काम किए तब भी वो नहीं बोला। तो राजा स्वयं चल के गया उसके पास, फिर बोलो मैंने बुरा काम किया तब भी तुमने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, तो मैंने अच्छा किया तब भी कुछ नहीं की। बोलो राजा कुछ भी कहे वो गोबर बचाओ तेरे को उठाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य आपके साथ आपके कर्म जाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, संदेह की गुंजाइश नहीं है। और झूठी बड़ाई नहीं करने का मन करता है, नहीं कभी आदत है। अब इस समय जो सेना हमारे पास है, गायत्री स्कूल के पास जो सैनिक है, उनसे विश्व का बड़ा सा बड़ा महायुद्ध जीता जा सकता है, क्योंकि उनको जीतने का मंत्र का पता है। और कोई जाने आने जाने, वो बच्चे सब जानते हैं, जीतना चाहते हो तो लड़ो ही, उनको महायुद्ध जीतने से कौन रोक देगा। उनको इस एक सेंटेंस की व्याख्या का पता है, इस सेंटेंस को भली भांति जानते हैं वो कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो लिखना सीख गए हैं। जहां भी समस्या आती है वो अपना बैठे और लिखा और खुद को रिजल्ट सामने आ जाता, हाँ इसका परिणाम ये है, इसका ये। तो जैसा कि परंपराएं हैं, विदाई समारोह, फेयरवेल पार्टी, तो अचानक विचार आ गया कि हम इतने नाइस अपने प्यारे बच्चों को क्यों विदा कर रहे हैं, हम उनसे डिटेनमेंट क्यों कर रहे हैं, हम तो सदा जब तक इस पृथ्वी पर हैं, इस लोक में हैं, तब तक उनसे जुड़े रहेंगे।
तो गिरधारी जी ने बात बताई, भले ही तुम्हारी समझ में नहीं आई हो, गुरु तत्व बहुत बड़ी चीज होती है। एकलव्य का नाम सुना होगा, किसने सिखाया उसको धनुर्विद्या, किसने सिखाई? द्रोणाचार्य ने। उसने तो नीची जाति का मान के उसको मना कर दिया, राजा मैं तेरा गुरु हूं, तो क्षत्रिय लोगों को सिखाऊंगा, राज परिवार के जो बच्चे हैं उनको सिखाता हूं, आप तुम्हारों को सिखा रहा हूं। उसने ठान लिया तो मत सिखाओ, मैं सीखूंगा तुम्हारे नाम से। द्रोणाचार्य की कच्ची मिट्टी की मूर्ति बना के पेड़ के पास खुद ही प्रसन्न करते, खुद ही जवाब देते, गुरु जी मान चलाओ, खुद ही बोलते हाँ चलाओ। और इतना जबरदस्त बाण धारी हो गया एकलव्य। एक दिन द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के साथ वन में गए हुए थे, उनके साथ कुत्ता था, कुत्ता भौंकने लग गया, कुत्ता भौंकने लग गया तो एकलव्य ने शब्द भेदी बाण छोड़ दिए जो आवाज फिजाते, और बाणों से कुत्ते का मुंह भर दिया। और आप ये समझो चोट कहीं भी नहीं आई कुत्ते को, ये नहीं कि उसका मुख सवान हो गया, ऐसा नहीं था, उसकी आवाज बंद कर दी। अब अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन परेशान हो गया, और अर्जुन क्या बोला, पहले तो अपने आप से बोला ये तो तेरा भी पाप निकला, ये है कौन, ये तो बड़ा खतरनाक धनुधारी है। द्रोणाचार्य से बोला गुरुदेव ये तो आप मेरे को बता रहे थे दुनिया का सबसे तगड़ा बाण धारी है, तो और भी गजब है। बोलो है, लेकिन इसका इलाज मैं कर दूंगा। उस जमाने में यानी 5,000 साल पहले द्वापर युग के अंदर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, और उसने हंसते हंसते दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दिया। अब धनुष की जो प्रत्यंचा होती है वो अंगूठे से खींची जाती है, एकलव्य के अंगूठा है नहीं, लेकिन एकलव्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के नाम से अमर हो गया इतिहास। आज भी नहीं, जब तक मानव सभ्यता रहेगी एकलव्य को भी याद किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये होता है, कई लोग कहते भी हैं रोजाना कोई कोई फंड रचो रखे, ये जो चीजें होती हैं, ये जो कंपटीशन होते हैं, कोई भी प्रतियोगिता होती है, ये आपके विकास के लिए बड़ी महती भूमिका अदा करती है। आपको अपने आप को परिश्रम करने का अवसर मिलता है, आपको एक मंच मिलता है जिससे आप मुखर होते हो, दुनिया में लाखों लोगों के सामने बोलने की हिम्मत आप में आती है। इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए इतनी प्रतियोगिता है। लोग तो 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडारोहण करके किसी भी कर देते हैं, क्या यही उन बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है क्या? भगत सिंह फांसी इसीलिए चल गया है क्या? आने वाले समय में झंडारोहण करेंगे ताली पीट के पार रहेंगे, तिरंगे झंडे की जो मर्यादा है, जो आम और शान और बान है उसकी, वो वही जानते हैं जिनको तिरंगा छूता है। 3 दिन पहले ले से डेड बॉडी आई है कर्नल राजेंद्र की, आंखों से भले ही आंसू लोगों के नहीं निकले हो, लेकिन हृदय से वो उजल पड़े थे उस दृश्य को देखते हुए। जब वो वीरांगना कह रही है कि मैं थोड़ा समय अपने पति की जो डेड बॉडी है इसके एकांत में अकेले दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे जैसे बेवकूफ हम तो चलो नहीं गए, बहुत सारे अंदर घुस गए। अरे भाई अंतिम अपने पति के दर्शन कर रही है, दोबारा दर्शन थोड़ी होंगे, तुम क्यों दाल भात में मुसलसल बन रहे हो? लेकिन घुसते बार बार, छोटी कुर्बानी नहीं है उसकी। और वो बिरले उन सैन्य अधिकारियों में, उन सैनिकों में से है जो धरती पर जन्म लेते हैं और अपना नाम और देश का नाम रोशन कर रहा है। हमें सदैव जो चीजें छोटी छोटी बताई गई गुरुजनों के द्वारा, जहां भी दिक्कत आए आपको क्या करना है, ये दिक्कत आए क्या करना है, आपके पेपर से परेशानी हो गई, आपको याद किया और भूलने को हो रहा है, 2 मिनट रुको, 2-5 घूंट पानी की पियो और अपने आप को याद करो। हम लोग ऊपर से रहे हैं, जंगल के छोटे छोटे जानवरों रूपी पशुओं से डरने वाले नहीं है। तो तुरंत ही आपके अंदर आत्मबल जागृत हो जाएगा, आप बहुत बढ़िया करते होंगे।
कभी भी नाम पर कोई ये कहता है मैं याद तो कर लेता हूं, कर लेती हूं, भूल जाता हूं, ये कभी मत सुनो। जो सुनाता उसको भी कहो प्लीज ये बात मत बोलो आप, क्योंकि वाइब्रेशन पैदा होती है। कोई भी विचार हम दुनिया में डालते हैं उसकी वाइब्रेशन को जगह लेती है। इसलिए अच्छा अच्छा करेंगे तो अच्छा वातावरण बनेगा, और अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव वातावरण बन जाएगा। इसलिए आप सारी चीजों से जानकार हो तो जहां भी दिक्कत आए तुरंत, और गुरु तत्व हमारा भी जो गुरु है वो साक्षात भौतिक रूप से नहीं है। वो 1932 में उनका शरीर शांत हो गया था, लेकिन इतना जबर प्रेम है उनका हमारे ऊपर कि पूछो मत। साक्षात गुरु होते हुए मित्र नहीं कर सकते। तो गुरु तत्व है गुरु, भक्त, भक्ति और भगवान, ये ना तो मरते हैं ना जन्म लेते हैं, ये अमर रहते हैं, इनकी गाथा अमर है। इसीलिए तो कहा गया है भारत माता हे भारत की नारी, या तो तू भक्त पैदा कर दे या देश भक्त पैदा कर दे। अब हम चाहे पूरे देश और दुनिया के नेताओं को सबको खड़ा कर दे, एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगा दे, किसको देखना पसंद करो, किसके प्रति प्रेम पैदा होगा, किसके प्रति गर्व होगा, क्यों है ऐसा? प्रताप जी ने इसी दिन पिछले साल कहा था यूनिट डे के दिन कि वैसे देशभक्त कभी कभी पैदा होते हैं, कोई सदियों में एक बार। तो बड़े हलवे ने तो देशभक्त इसीलिए ऊपर फोटो लग रही है कि सुबह गेट में घुसो तो तुरंत आपको उनके दर्शन हो, क्योंकि तुम उसी देश के हो जिस देश में वो पैदा हुए थे। बहुत सारे उनकी बातें याद है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम इतना ज्यादा वैसे छोटे छोटे रूप में आपके सामने चर्चाएं साल भर होती रहती है। तो अच्छी प्रकार से एक योद्धा की तरह युद्ध भूमि नामक उस परीक्षा में हमें जाना है, और बढ़िया तरीके से जो तुमने सीखा है बिना भय के निसंकोच बड़ी सहजता के साथ उसको आप कॉपी में उतार के आए, अच्छा ही होगा, कोई संदेह ही नहीं है। शंका रखोगे तो वो हो जाएगा जो आप मन में आ रहा है बार बार। इसलिए बढ़िया तरीके से बड़ी अच्छी शक्ति के साथ हम उन प्यारे बच्चों को विदा करेंगे। विदा दुनिया के तौर पे नहीं, हम विद्यालय के तौर पे कह रहे हैं। अब आगे व्यवस्था उनकी पढ़ने की यहां नहीं है, जैसा कि अक्षय कह रहा था हमारा मन नहीं कर रहा। मन किसी का भी मरने को नहीं करता है, लेकिन मरना पड़ता है, नहीं चाहते वो भी काम हमें करना पड़ता है। तो ये परंपरा है, व्यवस्था है, इससे आगे आपको और श्रेष्ठ करने के लिए, बढ़िया करने के लिए जाना होगा। लेकिन अपने प्रिय गुरुजनों की जो बातें हैं, यहाँ जो आपने पढ़ा है, यहाँ से जो संस्कार लिए हैं, उनको सहेज करके अपने साथ लेकर के आप जाओगे। और सदैव याद रखना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हनुमान जी को अपनी ताकत याद नहीं आती थी, हनुमान जी सामान्य से प्राणी थे, लेकिन अगर उनको कोई सुना देता बोलो जय श्री राम तो हनुमान जी छाती फाड़ने को तैयार हो जाते, और वो पहाड़ भी उठा लेते और गोते मार मार के शनि की हालत भी खराब कर देते। तो आप भी वो हनुमान हो जिनको अपने बल का भी पता नहीं है, कितना कर सकते हो उसका पता नहीं है, होना चाहिए। एक सुदृढ़ भारत के सुदृढ़ हिंदुस्तान की नींव आप टिकी है बच्चों। अब भाग भाग करके दुनिया के G20 में आ रहे हैं, चाहे बाइडन ले लो, चाहे रशिया ले लो, चाहे ब्रिटेन ले लो, चाहे फ्रांस ले लो, जर्मनी, जापान, इटली, कोई भी ले लो, सब भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत बचा सकता दुनिया, भारत महान है, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि पहले बनाया भी, पहले बनाया तो इसको फिर भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर बन जाएगा। इसलिए सदैव सुबह उठते ही सबसे पहले अपने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो, और फिर सोचो मैं हिंदुस्तानी हूं। ये एक सेंटेंस बोलोगे सारी अच्छी अच्छी चीजें भाग भाग के आपके पास आए, क्योंकि सच्चा जो हिंदुस्तानी है वो बेईमान नहीं होता। सच्चा जो ईमानदार भारतीय हिंदुस्तानी है वो कभी झूठ का साथ नहीं देता, वो कभी घटिया राजनीति नहीं करता,
वो कभी गलत तरीके अपना करके पास होने की कोशिश नहीं करता। वो तो वो सच्चा हिंदुस्तानी है, उसके सीने में दो गुर्दे हैं, दो लोगों को बचाना अपने गुर्दे निकाल देते। इसलिए अगर भगवान अवतरित हुए हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, 192-193 देश हो रहे हैं, लेकिन आपने नहीं सुना बात में ही अवतार के बारे में सुना है। 24 अवतार हो गए यहाँ अवतार, वहां कोई अवतार नहीं हुआ, क्योंकि ये भाग भूमि सौभाग्य से प्राप्त होती है। यहां हमेशा बड़े बड़े ऋषि मुनि आते रहे हैं, आते रहेंगे, और बड़े बड़े देश भक्त यहाँ पैदा हुए हैं। भगत सिंह का एक किस्सा आपको छोटा सा पता होगा कि उनको 24 मार्च को फांसी होने वाली थी, 23 मार्च की रात को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। हम ही पता नहीं करते हैं हमारे पड़ोस में अड़ोस में कौन है, कैसे है, क्या करते हैं। वो रिसर्च बहुत करते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज है, रिसर्च करते हैं। अगर हमने ये किया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो उन्होंने पता कर लिया था अगर 24 तारीख को 24 मार्च को हमने फांसी दी तो हो सकता है देश भर में आंदोलन खड़ा हो जाए और लाहौर के आसपास लाखों लोग एकत्रित हो जाए और भगत सिंह को फांसी नहीं तोड़ने दें। लिहाजा रात के अंधेरे में भगत सिंह को फांसी दे देंगे। और जो सेंट्रल जेल है उसके पीछे के दीवार को तोड़ा गया, उसमें से ट्रक में डेड बॉडी भगत सिंह की ले जा रही थी। उस पुलिस वाले, देखो हमने, हमें किसी ने नहीं मारा है, हमें अपनों ने ही मारा है। वो कहते ने मेरी नौका डूबी वहां, ना पानी कम था, तो हरियाणा वाला वाला की पकड़ी उठाने गए तो कम पानी नहीं। तो भगत सिंह को पीछे से निकाला, सिपाही जो गवर्नर थे वो भारत के थे, हिंदुस्तानी थे, ड्राइवर था वो हिंदुस्तानी था। ड्राइवर को शंका हुई, ऐसी ऐसी क्या हो रहा है, तो मारा भी दूसरा, मैं सब्जी लाने जाता हूँ, आटा लाने जाता हूँ, सीधे रास्ते से जाते हैं, पीछे से क्या हो रहा है, शंका हुई। कुछ दूर ले जा करके उसने ट्रक में खराबी हो गई, ये बहाना बना करके उतर के पीछे आया और उन सिपाही से पूछा बात क्या है। अरे कुछ नहीं पता, नौकरी नहीं करनी क्या, बोलो मुझे बताओ, नहीं मैं यही मालूम। तब उन्होंने बताया कि भगत सिंह की डेड बॉडी, और इनको ऐसे ही कहीं थोड़ा बहुत घास फूस लकड़ी कुछ मिल जाए, केरोसिन के कैन है उन डाल डूल के इसको रात में जलाने की प्लान में। उसने जबरदस्त तरीके से ट्रक को दौड़ाया और भगत सिंह का जो गांव है अब वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां ले गया, आसपास के लोगों को बुलाया, कुछ लकड़ियां इकट्ठे की और सम्मान सहित भगत सिंह का नदी किनारे अंतिम संस्कार। वो बंदा अस्थिर उठा, बोला अभी कल तोड़ने वाले थे बीमारी के, आज ही फांसी कैसे तोड़ने लगा। बोलो हुक्म आ गया ऊपर से, अभी फांसी दे देना। गीता पढ़ रहे थे, स्वाध्याय करते थे रोजाना, और 3x6 फीट की कोठरी में भगत सिंह ने अपना जीवन गुजारा। हम कर क्या रहे हैं, हमें तो मोबाइल के गुलाम होकर के इधर उधर बकवासबाजी करते रहते हैं, ये काम थोड़ी हमारा। हम हिंदुस्तानी है भाई, हमें दुनिया चलानी है, और ये झूठ नहीं है, क्योंकि यहां से बोला गया मन से 99% भगवान ने सही किया है, हमेशा सही किया है। जो भी भावना, या विजय कुमार जी भी जानते हो, उनको पता है, जो भावना दे दी वो पार है। तो आपको राज करना है, आप राज करने की तैयारी करो दुनिया पर। दुनिया को सुखदायी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके सपने लो और वो सपने हकीकत में परिणत हो जाएंगे। ये बच्चे तो राज करेंगे, लेकिन रोज सुबह उठ के बोलना पड़ेगा, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भगत सिंह के देश में पैदा हुआ हूं, चंद्रशेखर मेरा आइकॉन है, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर यहां पैदा हुए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, बड़ी सहजता के साथ, घबराहट के साथ कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि रोता हुआ जाता है मरे की खबर लाता है, तो घबराना नहीं। भले ही आज तक भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा, विश्वास के साथ अब भी पढ़ लोगे तो ब्रेक है, बीच में भी टाइम है पूरा, चार चार पांच पांच दिन के ब्रेक, मन लगा करके डूबो, समझ रहे हैं ना। एक समय ऐसा आना चाहिए जहां हमें गुरु की जरूरत ना हो, गुरु की अनुभूति हो, गुरु के सानिध्य की आवश्यकता नहीं, उसकी अनुभूति हो हमें, गुरु हमारे साथ में, भगवान हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं।
गुरु और शिक्षक में आकाश पाताल का अंतर होता है, समझ रहे हो ना। तो जहां भी दिक्कत आए तुरंत सहजता के साथ क्या मैं इसका सामना नहीं कर सकता, ऐसा आता है मन में, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी हमेशा हद से पार होते हैं। इन्होंने हिमालय का सिर झुकाया है, इनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है, आराम से एनर्जी रहेगी आपके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, गुरुजनों, आज के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह जी राठौर, विशिष्ट अतिथि श्री करण सिंह जी, मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार जी, जो मुझे नहीं लगता पुलिस में इतना मतलब है, मैं क्या कहूं, जो लोग दिल में जगह बना लेते हैं। बाकी पुलिस की नौकरी में भी करके आया था, डर के मारे इसीलिए आ गया कि लोग कहेंगे कुछ तो है कुत्ता आ गया, लेकिन ये उस पर अपवाद है। निहायत ईमानदार और बिल्कुल साफ सुथरी छवि के धरी, और इन्होंने कम से कम 9 बजे 9:30 बजे आ गए थे और 2:30 बजे का समय हो गया है, अद्भुत समय दिया, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज बच्चों समय है। जिसने समय को जान लिया, पहचान लिया, दुनिया पर राज करेगा, खुद नहीं करेगा तो लोग आके करवाएंगे, आजा हमें राज कर दो। तो आज के समारोह की समाप्ति की घोषणा के लिए मैं रघुवीर सिंह जी को आमंत्रित कर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे राजों राजियों, और आप बहुत बढ़िया पेपर करके आओ, चमत्कार तो नमस्कार होता है, और आप चमत्कारी हो क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं।